أيها المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في موضع آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية إن الله أوحى إلى جبرائيل عليه السلام أن اقلب المدينة كذا وكذا إلى آخر الحديث صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا آتنا شر ما قضيت وقنا عذاب النار اللهم اهلك الكفرة والهنود والنصارى والمشركين وأعداء المسلمين وأعداء الدين اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة واشرنا مع المتقين والأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تكبير تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں اور ضرب لگانا بھول گئے قابل محترم اسٹیج پر رونق افروز ہونا اور سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی کرم فضل اور احسان ہوا کہ آج اس تکمیل قرآن کی نشست میں ہمارا اور آپ کا یہ جمع ہو جانا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ یقیناً ہم جس نسبت کی بنیاد پر یہاں کھڑے ہیں اور ہم جس نسبت کی بنیاد پر دور دور سے اس اجتماع میں شرکت کے لیے ہم نے جو ارادہ کیا ہے یقیناً یہ قابل مبارک ہے
और ये इशारा इस जानिब है, यकीनन ये हजरत अपने दिल के अंदर इस कुरान पाक की अजमत को रखते हैं, अल्लाह ताला के इस कलाम को अपने दिल के अंदर जगह दे देते हैं। वही जो वजह है जिसकी बुनियाद पर आपका यहाँ आना, हमारा यहाँ आना हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे आने को, मिल बैठने को कबूल फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, जिस दीन के हम दावेदार हैं, जिस इस्लाम के हम दावेदार हैं, ये दो चीजों से बनता है। नंबर एक, मुसलमान के पास एतिकाद हो। नंबर दो, मुसलमान के पास आमाल हो। जब ये दो चीजें आपस में मिल जाती है, तब तो जाकर एक मुसलमान की शक्ल बनती है, एक मुसलमान का वजूद होता है। ऐसा नहीं होगा एक इंसान के पास अगर ईमान है, अमल नहीं है, ये मुसलमान तो है पर नाकिस है। ऐसा ही अगर किसी के पास अमल होगा, उसके पास ईमान नहीं होगा, ये सिरे से मुसलमान है ही नहीं। इसलिए कि बुनियादी चीज ईमान इसके पास जब नहीं है, लिहाजा उसके किए हुए अमल का कोई एतबार नहीं होगा। लिहाजा जब उस वक्त एक मुसलमान मुसलमान बनता है, मोमिन बनता है, इसको सलीके और तरीके से कलमा पढ़ना पड़ता है, जैसे शरीयत से उसे मुतालब किया है कलमा पढ़ने का, ये पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जब ये कलमा पढ़ता है तो मुसलमान बनता है। इस कलमे की तरतीब को ये बदल नहीं सकता। अगर ये कलमे की तरतीब को बदल सकता है तो यकीनन ऐसे शख्स का ईमान काबिले एतबार नहीं होगा। सबसे पहले दर्जा है ला इलाहा इल्लल्लाह का, और दूसरा दर्जा है मुहम्मद रसूलुल्लाह का। लिहाजा जब ये कलमा इस तरीके से पढ़ेगा तो ये कलमा इसका मोतबर होगा, ये मुसलमान तसव्वुर किया जाएगा। इसी तरह पर इस वक्त दूसरे दर्जे पर इसके अमल को देखा जाएगा तो ये अमल भी उसका वही मोतबर होगा, जो अमल कुरान और सुन्नत के एतबार से, वही अमल जो कुरान की तरफ से उसको पेश किया जाएगा वही अमल मोतबर होगा। अगर उसका अमल कुरान और सुन्नत के साथ मेल नहीं खाता, अगर उसके अमल को कुरान और सुन्नत के साथ कोई जोड़ नहीं है, और तो नफ्स परस्ती कहलाएगी, इसको शरीयत के साथ कोई जोड़ नहीं होगा, बल्कि वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और यकीनन वो चीजें काबिले तारक है और इनको छोड़ दिया जाएगा। उम्मत मुस्लिमा को यही अंदाज होना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा को यही तर्क होना चाहिए कि हर वक्त ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके कार को, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सुन्नत मुत्तहरा को या अपने सीने से लगाने वाला होना चाहिए था। अगर इसके पास ये दो चीजें मजबूत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैनि लम तज़िलु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। फरमा मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर आप इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थाम सकते हो, पकड़ सकते हो, तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते हो, कभी तुम सिराते मुस्तकीम से हट नहीं सकते हो, आपको अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला रास्ता मिल जाएगा, आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलने का तरीका मिल जाएगा। मगर तब होगा, फरमाया कि वो दो चीजें क्या है, फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। एक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब है, और एक जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत रसूल है, जिस उम्मत के सामने ये दो चीजें हाथों के अंदर मजबूत होगी, खुदा की कसम उसके दुनिया के अंदर कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, एक कामिल दर्जे का मुसलमान हो जाएगा। उसके अमल से दूसरा एक ऐसा आदमी जिसके पास दीन नहीं होगा, रोब होगा, दबदबा होगा,
होगा उसके सामने उसके बाद चल नहीं सकती है। इसलिए कि आपके पास जो कानून है वो इलाही कानून है, आपके पास जो तर्ज़-ए-हयात जिंदगी है वो जिंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम से दी हुई तर्ज़-ए-हयात जिंदगी है, और जो शोबाए जिंदगी है दस्तूरी हयात है वो तो यकीन साफ साफ बोलकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया है। कौन ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर आपको परेशानी होती है, मजबूरी होती है, आप अकवा में घर की तरफ अपना रजू करते हो, आप अकवा में घर की जानी अपनी चीजों को लेते हो। अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो, अगर तुम्हें अपने मोशर को दुरुस्त करने की जरूरत है, ये तो तब जरूरत ये तब तो जरूरत पूरी हो जाएगी जिस वक्त आपका रूह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के उस मोशर की तरफ जाएगी जो मोशर उन्होंने हमें सिखाई है। और बाज़ाबता कुरान ने ऐलान कर दिया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदितु लकुम अल-इस्लाम दीना। अगर कुरान पाक वाज़ह तौर पर और पुकार पुकार के एक मुसलमान को यह बात कह रहा है कि आपके लिए मशअलरा कुरान पाक है, आपके पास वाज़ह दलील कुरान पाक है, अगर आपके पास वो जत्थे बहिना वो कुरान पाक है, क्यों तू दर बदर की ठोकरें खाकर क्यों तू दर बदर की ठोकरें खाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस पाक मिशन को रोंदते है, आगे तू जा रहा है। यकीनन जान लीजिएगा जिन चीजों के अंदर ये उम्मत ये फुला समझती है और जिन चीजों के अंदर ये कामयाबी समझती है ताकि आगे क़यामत ये इन चीजों को कामयाब समझे, ये शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता जब ये कुरान छोड़ बैठेगी। ये उम्मत कब कामयाब नहीं हो सकती जब तक ये नबी के सुन्नतों को छोड़ बैठेगी। ये वही जवाब देना चाहिए था। हजरत साहब इकराम पूरे दुनिया पे छा गए, पूरे हजरत साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कैसर किसरा के महल के दरवाजे तक पहुंच गए और उसके मुमताज को उन्होंने अपने पैरों तले ठुकरा दिया था। आपके पास तारीख है, आपके पास सीरत है, आपके पास किरदार है, आपके पास सिखाने की तारीख है, आपके पास वफादारी है, आपके पास गद्दारी नहीं, आपके पास वफादारी है। उठा कर देखो किस तरीके पे हजरत साहब इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के अजमईन के सामने वक्त के बड़े बड़े सुप्रीम पावर के सामने उन्होंने बहुत डंग बजा दिया। कायनात तसव्वुर पेश करने से कासिर है और नहीं कर सकती है कभी तारीख इन चीजों को पेश जो हजरत साहब इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने पेश कर दी है। एक वाकया आपके सामने अर्ज करता हूँ, हम शर्माते हैं, हमें शर्म है, हम बड़े हमें डर है, हमें खौफ है, हम शर्माते हैं। अगर कभी हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सुन्नतों को अपनाने की कोशिश की हमें बड़ा खौफ लगता है, हमें बड़ी शर्म होती है। अगर हमने कभी कुरान को अपने हाथ में लिया है ये शर्माओ किस बात का, ये खुदराओ किस बात का, ये शर्मेलापन किस बात का। आपके पास तो अल्लाह ताला का दिया हुआ कलाम है, आप कमजोर नहीं हो, आपके पास अल्लाह के रसूल का दी हुई सुन्नत है, आप कमजोर नहीं हो, आप इन चीजों को अपना कर तो देखो वही जवाब दो जो जवाब हजरत उस्मान गनी ने दिया था, आप वही जवाब दो जो हजरत ज़ैद इब्न दस ने दिया था, आप वही जवाब दो जो हजरत अबू मंसूर ने दिया था, आप जवाब वही दो जो हजरत खालिद बिन वलीद ने दिया था। इन सहाबा के सामने चार हाथ नहीं थे, इनके पास दस पांव नहीं थे, इनके पास अगर थी वो इलाही ताकत थी, अगर इनके पास था वो कुरान थी, अगर कुरान था, अगर उनके पास थी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा थी। यही वो चीजें थी, यही वो ताकत थी जिस ताकत ने बातिल को ज़ेर कर दिया, जिस ताकत ने दुनिया के बातिल को सरनिगुम कर दिया और उनके कुरने कहने पर मजबूर कर दिया। आज भी हम मुसलमान ईमान इब्राहिम सा ईमान पैदा आप कर सकते हैं, गुलिस्तान पैदा क्यों नहीं हो सकती है। अगर एक मुसलमान कुरान पाक को हाथ में लेकर चल सकता है कोई दुनिया की ताकत तुझे डरा नहीं सकती, कोई शैतानी ताकत तुम्हें डरा नहीं सकती, कोई इब्लीस की ताकत तुझे डरा नहीं सकती। अगर एक अल्लाह से तू नहीं डरा खुदा की कसम कदम कदम पे तुझे डर करना चाहता हूँ। हम अपना तारुफ खुद करें, हम दूसरों से अपने तारुफ न सुने, हम अपना तारुफ खुद कराएं। हमारा तारुफ क्या है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे जुबान में क्या है, हम क्या चाहते हैं।
किस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम किस नबी के पीछे चलते हैं। मैं इस बात को बताने जा रहा हूँ हजरत साहब किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत को पढ़ो, इनको देखो किस तरीके पर इन्होंने इस इस्लाम का लोहा मुगलाया पूरी दुनिया के सामने। ये तारीख गवाह है, ये तारीख इस बात को मानती है, साहबा के पास न असलहा था, साहबा के पास न लड़ने के आला तो हर वो जर्ब थे, हजरत साहबा के सामने न और कोई दुनिया की ताकत थी। अगर इनके पास ताकत थी वो एक अल्लाह की ताकत थी, वो एक अल्लाह से डरने वाली कौन थी। जब ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा देते थे पूरी दुनिया और आईवानों के ये उनके पाए हिल जाते थे, मैदान छोड़ के चले जाते थे, कहते थे कि देव आ गए। देव नहीं थे, वो इलाही ताकत थी, तकदीर थी, ताकत थी। अरब इकबाल कब के कह गए हैं, अरब इकबाल कब ये बात करके गए हैं, बता के गए हैं, यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़कर इस बात को कह के गए कि ये नारा महोजम महकूम नहीं तेरे, क्यों क्यों तेरे नजरों से लरसना नहीं अफरा, क्यों ऐसी बात है कि दुनिया आज तेरे हाथ में नहीं है, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या कमजोरियां है, क्यों हमें कहना पड़ता है, क्यों हमें मुसलमान को बोलना पड़ता है, क्या की तारीख और आपकी मीरास क्या है और किस तरीके पर आपको अपने मंजिल की तरफ रवा और दवा हो रहा है। कहना मैं इस बात को कहना चाहता हूं, शायद तू डर जाए, तेरे दिल में मेरी बात, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सिपा। तारिक इब्न ज़ियाद के पास हजारों तोपें नहीं थी, तारिक इब्न ज़ियाद जब अंदलुस पहुंचा कहा कश्तियों को जला दो, ये कश्तियां मिटा दो, कहा कि वापस भागना पड़ा तो कहा कि हर मुल्क मुल्क के वास मुल्क के खुदा के वास नहीं हो सकता। तारिक इब्न ज़ियाद ने जिस जगह पर कदम रखा अल्लाह ताला की धरती है, अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला की जमीन है, अल्लाह ताला का हुक्म है, जो अपने घर के अंदर आता है वो बाहर वापस नहीं चला जाता। हमें कमजोरी किस बात, कमजोरी बस एक हमारे पास है, वो ये कि हमारे पास कुरान नहीं, हमारे पास सुन्नत रसूल हकीम नहीं है। आप बादल का निवाला बड़े आसानी से बनते हो, वो कहते हो शराब पियो काके ले आओ, वो कहते हो जुआ खेलो तुम्हें ले आओ, वो कहते हो तुम बलोचिस करो बेहाई करो का ले आओ, तुम कहते हो पार्क में चलो मां किसी बच्ची की इसमत को तार तार करो काके ले आओ। कौन का नौजवान उम्मत के बच्चियों का मुआफिसा, खुदा की कसम ये मुआफिसा मुआफिस ये डाकू नहीं था, ये उम्मत के बच्चियों के इज्जतों का व्यापारी नहीं था। किसी ने क्या सही बात कही है तो उधर इधर की बात न कर, ये बता कि ये काफिला क्यों रुका, यहां कोई नहीं अपने जिम्मे कोई नहीं रहता। अरबिक शराब की बोतल वाले किसने भी कहा कि फला की कसम अगर मुझे पता ही है, फला स्थान की कसम अगर मुझे पता ही है, अच्छा फला जगह पर आपकी वारदात हो गई किसने की, फला की कसम अगर पता ही है, मस्जिद के अंदर से ट्रांसफार्म गायब हो गया किसने किया, अगर फला की कसम अगर पता ही किसने किया, ये किसने किया, ये कौन करता है, तो उधर इधर की बात न कर, ये बता कि यह काफिला क्यों लुटा, तो उधर इधर की बात न कर, ये बता कि यह काफिला क्यों लुटा, कहने कि हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब रहबरी कौन सी करते हो, अब दो कैसे तालीम अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम देते, तुम कैसे हो शिकवा शुबा और जिन्हें शिकवे रब से, तुमने बच्चों को कुरान दिया होता उनके हाथ के ऊपर शराब की बोतल कोई ना थमा देता, वो उठाकर उसके चारे को उसके ऊपर मार देता, ये मेरे का मेरे अल्लाह का हराम करता चीज है, मैं रामदे दरगाह बनना नहीं चाहता, मैं नहीं बनना चाहता हूँ अल्लाह ताला का मलूल बंदा मैं बनना चाहता हूँ। इससे कि अल्लाह के रसूल अली सलातो वसलम ने फरमाया मलूल वो भी है जो शराब पिएगा, मलूल वो भी है जो शराब पिलाएगा, मलूल वो भी है जो शराब बेचेगा, मलूल वो भी है जो शराब किसी तक ले जाएगा। अगर इसके पास मेरे नबी की सुन्नत होती कसम खुदा,
हिदायत तक थी। आपने क्या ड्राइव साइड भी गधा बिली सवाल रखा, ये पढ़ाया, यही तो होगा और क्या होगा। गिरे किन से, शिकायत किन से, मैं अर्ज यही करना चाहता हूं साहबा के पास, रजवान अल्लाह ताला अलैहि अजमईन के पास, जब शराब की हुरमत हुई, शराब की हुरमत में देखो कुरान मानना किसको कहते हैं। ये नहीं है आप 40 में कुरान को याद करो, कोई इंसान को रूह नहीं निकल रही है। लाओ किसी मौलवी साहब को यासीन पढ़े, अगर किसी को कोई 40 दिन है, लाओ कोई मौलवी साहब को वो 40 दिन के ऊपर उसके खत्मात पढ़े। इसके लिए कुरान कतल नहीं था, कुरान वो एक इंकलाबी किताब थी जो तेरे शरीर को, जो मुसलमान के शरीर को, जो मोमिन के शरीर को झंझोड़ने वाली होती, तेरे घर के अंदर भी वही होता जो अल्लाह को पसंद होता, तेरे घर से भी बार वही होता जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद होता। हमारी कौन सी चीज कुरान के साथ मेल खाती है? यह कौन बड़ी गासिब है मुझे जरा कहने दीजिए। बड़े बड़े लोग यहां बैठे हैं, बड़े बड़े ताजुद गुजार बैठे हैं, जब बात आती है बच्चियों के वरासत की कौन देता है? है? इमाम साहब ये कहते हैं मौसी तो नहीं मानती है ना, मां तो नहीं मानती है, ये बच्ची अपने घर में बड़ी आबाद है, तो उससे बड़ा जालिम है कौन? मैं समझता हूं यहां मुफ्तियां ने किराम बैठे हैं, जिस बच्ची को तलाक लगी, तलाक लगने के बाद दुनिया का कोर्ट माने न माने, दुनिया की कचहरी माने न माने, शरीयत कहती है मर्द ने कह दिया तलाक तो की, मैंने तुझे तलाक दी, बैठे हैं जिम्मेदार मुफ्तियां ने किराम, इनसे पूछो तलाक पड़ती है कि नहीं पड़ती, कोर्ट तुझे ये कहे तुम इस तलाक को प्रूव करो, तुम इस पर तलाक को साबित करो। अरे इकरार को साबित नहीं किया जाता, जिस शख्स के पास इकरार है तुम्हारे कोर्ट कचहरी में कानून चलता है, अगर किसी के ऊपर रागी इल्जाम लगा इसको रफे इल्जाम के लिए बुलाया जाता है, बताओ तूने ये किया है? कहा कि नहीं मैंने ये नहीं किया, तो गवाहों को बुलाओ। अगर ये इकरार करता है तुम प्रूव नहीं चाहते हो, तुम सबूत को नहीं चाहते हो, तुम इसके ऊपर सजा सजा का हुक्म लगा देते हो। यहाँ तुम्हारे पास इकरार मोतबर है और यहाँ गैर मोतबर है। जब मर्द बीवी को कह दे मैंने तुझे तलाक दे दी, माना मैंने, इस मर्द ने गुनाह कर दिया, इसने बच्ची को तलाक दे दी, इसने बच्ची के साथ गलत कर दिया, तलाक दे दी, जुल्मन दे दिया, तलाक मान लिया। अब ये बताइए ये औरत इस मर्द के साथ रह सकती है? जब 3 तलाक लग गए तो रह सकती है? नहीं रह सकती है ना। जब नहीं रह सकती ये कोर्ट कचहरी में जाता है, हमारा वकील भी यकीन होता है उसे क्या दीन के साथ, उसको तो 4 रुपये अपने जेब के अंदर चले जाने चाहिए थे, वो 1000 तलाक को एक बताएगा, इसको क्या जरूरत है इस बात की ये हलाल बात है या हराम बात है। वो जिसको बता देता है, समझा देता है, कहलवा देता है ये कि नहीं नहीं ये पहले प्रूव करना पड़ेगा। अरे तलाक क्या प्रूव करेगा, ये तो कह रहा मैंने दिया है, तलाक लग गई ये दीन या बलायदा हो गई, कह रहे कि आप 468 में उसको क्या कर दो, नाम नफके का इसको कर दो, ये मुकदमा लगा दो उसके नाम नफके का। नाम नफके की वो जिम्मेदार तब तक है जब तक वो इद्दत में रहेगी, इद्दत खत्म हो गई अब तो अजनबी हो गई। तुम किस चीज का टैक्स उससे लेते हो, किस बुनियाद पर तुम कोर्ट कचहरी में अपनी बेटी को लेके जाते हो? और बेशर्म बाप जब ये बेटी उसके निकाह में है नहीं, तुम किस बुनियाद पर इस अजनबी मर्द से पैसे मांगते हो कि मेरी बेटी कह दो? मर चुका है तू, सर चुका है तू, गल चुका है, ये तेरी साथ तेरी बेटी है, आपके साथ इसका खूनी रिश्ता है, दुनिया टूट सकती है मगर इस बेटी का रिश्ता तुझसे कभी टूट नहीं सकता है। और जिसके साथ तुमने इसके रिश्ते से जोड़ा था, ये 80 साल के बाद भी उसको तलाक देकर अपने निकाह से अलग कर सकता है। कौन बाप ये कह रहा? कितने ऐसे मसले हैं कि जो हमारी बेटियां आज भी इसी कानून के पीछे जा रही है और बाप भी साथ है, ये पैसा तुम्हारे लिए हलाल कहां से होगा? और तुम्हारे पास इसका हक है और वो तुम रीस बनकर खा जाते हो, वो तुम गासिब बनकर खा जाते हो। एक वो हिटलर था एक तुम हिटलर हो, एक वो फिराउन था एक तुम फिराउन हो, एक वो नमरूद था एक ये नमरूद है। लिहाजा तू इधर की इधर की बात न कर, ये बता कि काफिर क्यों लुटा, कुरान की पासदारी कौन करेगा, कुरान की हिफाजत कौन करेगा, कुरान की बात कौन करेगा,
तुम्हें फुर्सत ही नहीं है, तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, हम बताएं किसको। यकीनन मेरे दोस्तों, जब ये बातें हैं जो कुरान ने आपको बता दी, वो हम लेने के लिए तैयार ही किसी जगह पर नहीं हो। मिसाल, अगर 10 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, मौलवी साहब उसको मकतब में कह देता है, बच्ची जरा तुम जरा सर के ऊपर तुम ओढ़ के ले आना, इसको ऊपर से हिजाब करके आना। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, ये डॉक्टर जितने भी है, ये बहुत अभी तो छोटी बच्ची है, अब इसको करना क्या है, बालिग हो जाएगी तो देखा जाएगा। शायद तुम बचपन में पिलाओ, ये तब भी मरेगी। शायद तुम बड़े होकर पिलाओ, ये जब भी मरेगी। अगर 16 साल के अंदर इस बच्ची ने चोर चौराहे में अपने इज्जत का सौदा कर दिया, बाप तुझसे कभी गिरा मत करना। सबसे बड़े इस्लाम के मुजरिम तुम हो अगर तुमने पहले सबक इसको हया कर लिया होगा। दिया इस्लाम ने कब हया का सबक, कब से जाके मैं कौम को हया का सबक दूं? ये कौम नहीं चाहती है, ये कौम इस बात को पसंद नहीं करती है। लिहाजा मैं अर्जी करता, ये कुरान चीख चीख के कह रहा है, या अल्लाह मुझे यहां कोई मानने वाला है ही नहीं। मुझे कौन कुरान, मुझे कौन मानता, मुझे कौन मुझसे ये बात करता है। चंद दिन पहले मेरे पास एक आदमी आया, कहने लगा मुझे सब मुझे एक बात बताओ, मेरी माँ है। कहा कि अच्छा, तेरी माँ है, अब मसला क्या है? कहा कि मेरा बाप तो मर गया, अब बताइए मेरी माँ को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो मुझे कहते मुझे हिस्सा मिलेगा, मैंने कहा नहीं मिलेगा। मैंने कुत्ता सड़क करके कुत्तों को डाल दो, इसलिए कि ये गुनहगार माँ है, जिस गुनहगार माँ ने तुझ मुजरिम को जन्म दिया है। अरे जालिम, अगर तू बन सकता है, अगर तू बवाल बन सकता है, तुम इसके खड़ा हो, ये असर है। अगर तुम इससे निकल कर तुम वारिस बनते हो, माँ को वरासत से रोक कौन सकता है। एक छोटा सा किताब से मैंने तहरीर किया है, जिसके अंदर मैंने हकू के वालिदैन की थोड़ी सी बात की। सबक क्या बना, मैं जरा एक बात आपको बता देता हूँ। वो ये है कि मैं एक मतलब मस्जिद से जुमा पढ़ने जा रहा था, एक छोटी बुढ़िया आई, वो बेचारी इस तरीके पर झुकी हुई थी, दांत मुंह में कोई दांत नहीं। बेटो तुम भी सुनना, वालिदो तुम भी सुनना। ये रोते रोते आ गई, उसकी आंखों से आंसू जारी है। ककमरी साहब, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, हमने उसको बाहर चार पैर रखा है, लगता है कि उसकी आखिरी सांसें हैं। अल्लाह के लिए दुआ करो ये मेरा बेटा बच जाए। मैंने कहा मम्मी, ये मर जाएगा तो क्या बात है, मर तो जाए, आप तो भी जिंदा हो। कहा कि नहीं, मैं मरूंगी कम से कम ये नहीं मरना चाहिए, इसकी अभी औलाद है, अभी इसकी जिंदगी जीनी है, अभी और करना है। बहरहाल मैंने दुआ में गया, दुआ कर रही वापस आ गए, वो बुढ़ी माँ भी चली गई। कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, यही बुढ़िया जुमे के टाइम में इसी सहने मस्जिद के अंदर दोबारा रोते रोते इसी तरह पर आ गई। मैंने कहा बुढ़ी माँ क्या बात है, मैंने समझा कि शायद क्योंकि रो रही थी पहले से ज्यादा, मैंने ये समझा कि शायद ये तो शायद मर चुका है, शायद वो मर चुका है, इसी वजह से बूढ़ी अम्मा बिलक बिलक कर रो रही है। उसने अपने क्या कहते हैं बाल को इधर से छुपाया उस औरत ने, और इस तरीके पर ये अपना अपना जो है पल्ला था ऊपर कर दिया। ऐसी दर्द भरी आवाज में इस बूढ़ी अम्मा ने कहा, कहा कि अरे ये बताओ मौलवी साहब, आपने मेरे बच्चे के लिए दुआ की थी, मैंने खुद दुआ की थी, वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब तो हो गया, पर मुझे अब इसकी खुशी तो थी मगर क्या खबर थी। अल्लामा इकबाल ने क्या अलीगढ़ के बारे में बात सही कही थी, जब तक तुम दोस्तों को दुश्मन समझोगे, जब तक तुम दुश्मनों को दोस्त समझोगे, कभी तुमने मदरसे वालों को दोस्त नहीं समझा, कभी तुमने उलमा को दोस्त नहीं समझा, कभी तुमने उलमा उफास को दोस्त नहीं समझा। आप इनसे ताने देते हो, आप इनको पाने देते हो, क्या करके हमारे दरवाजों पर भीख मांगने आते हो। कसम खुदा की, ये घर के लिए भीख नहीं मांगते, ये भीख मांगते हैं तुम्हारे बच्चों के ईमान के तहफ्फुज़ के लिए, ये भीख मांगते हैं तुम्हारी आखिरत के तहफ्फुज़ के लिए, ये मांगते हैं तुम्हारे बच्चों के क्या कहते हैं हया के तहफ्फुज़ के लिए, ये भीख मांगते तुमसे है। अगर ये भी चाहते हैं तो चौराहे पे जाकर ये लोग भी हजारों कमाते, मगर इनने तमाम चीजों को ठुकरा दिया बस इस बुनियाद पर काश कि इस कौम की कोई बच्ची बेपरदा न रहे। मगर तुम्हें इसी चीज से जिद है। अरे मैं इकबाल ने क्या कौम कहा था,
कहा कि वफा का कश कौम मुल्क वफा का कश मां से डरते नहीं जरा रोहे मोहम्मद को इनके दिल दिल से निकाल दो अफगानियों की गैरत हिम्मत का ये इलाज मुल्ला को इनके कोह दमन से निकाल दो। अमेरिका का बर्तानिया का रूस का बड़े बड़े इसराइल और बड़े बड़े लहीनों को शैतानों को बदमाशों को ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुसलमान को दुनिया से मिटाना है हटाना है ईमान को ईमान खत्म करना है एक काम करो मुल्ला को इनके कोह दमन से निकाल दो ईमान का मुक्तदी के साथ रिश्ता खत्म कर दो। तुम्हें हर वक्त कमियां नजर इमाम की आ गई अपने बेटी और बेटी की नजर तुम्हें कमी कमजोरी नजर जहां तुम बेटे की सर पे नजर दस ने किया ये बुराइयां करते हो इमाम साहब की भी दो चार करो क्योंकि ये भी तो छोटा ही ये भी तो बशर ही है नहीं चौक चौराहे पर निकलते दुकान पर बैठकर तस्करा करने के लिए। मैं अर्जे कर रहा हूं अल्लाह इकबाल ने क्या कहा था जब अलीगढ़ गए अलीगढ़ को कहते थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कह दिया था कि मुझे खुशी थी क्या फरागत तालीम मगर मुझे क्या खबर थी मुझे क्या खबर थी मुझे क्या खबर थी ले आए इहार मुनीर बन के निकला अल्लाह का बेजार होके निकला ये तो अल्लाह का बेदीन होके निकला ये तो कुरान से दोस्त दुश्मन बन के निकला मुझे खुशी थी क्या है फरागत तालीम मगर मुझे क्या खबर थी ले आए इहार अर्जदाश मुझे करना इस औरत ने क्या कहा कहा कि मैंने उसके लिए तो दुआ तो मैंने उसके लिए की तो थी मैंने मगर मुझे क्या खबर थी ले आए इल्हाद भी साथ कहा कि मौलवी साहब अब तो मुझे सर छुपाने के लिए जगह भी उसने मुझे अपने घर के अंदर से भी निकाल दिया। इन बूढ़ी माओ ये सिस्कियां कहा जाएंगी ये बच्चियां जो रात भर तलाकशुदा होकर इन जालिमों ने तलाक तलाक देकर जुल्म किया ये रातों को रोती है इनकी आवाजें अर फर्श से निकलकर क्या अर्श से नहीं टकर सकती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन तक दावत मजलूम लैस बैनहु व बैन अल्लाह हिजाब मजलूम की बददुआ से बचो इसलिए कि अल्लाह और उसके दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता। उम्मत के अंदर यह जुल्म किसने किया औरत कह रही है और बूढ़ी अम्मा कह रही है मैंने अपने बेटे से कहते बेटा एक काम करो अगर आप मुझे घर के अंदर बैठना अगर मुझे नसीब नहीं है कम से कम मुझे वरंडा के ऊपर बैठने तो दो मैं वरंडा पर बैठूंगी भीख मांगूंगी खाऊंगी। मेरे अंदर से कली का थाम जल के मैंने कहा कि ना कल उठना चाहिए कुछ लिखना चाहिए ऐसे दरिंदे सिफत बेटों को कहो ये माँ जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है उसके तकलीफ को कुरान ने बयान कर दिया है कि वो माँ जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है ये तकलीफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला उन्होंने एक आदमी को देखा उसने अपने माँ को इस कोख पे उठते हुए अपने कमर पर हज बैतुल्लाह का तवाफ करा रहा है हजरत उमर फारूक से पूछा कहा कि बंदा मेरा कुछ हक अदा हुआ कहा कि बिल्कुल नहीं ये जो दर्द सह के अंदर उसका एक चक्कर लग जाता था उस चक्कर की पादाश में जो ये माँ बर्दाश्त करती थी वो भी तुझे पूरा नहीं हुआ आप क्या कहते हो कि माँ ने कोई हक इस माँ का अदा कर दिया। हमने कुरान को तो ताक पे सजा के तो रखा मगर जब बात आती है अमल की जब बात आती है कुरान पाक को अमल करने की लोग बिलख जाते हैं दूर चले जाते हैं। लिहाजा मैं अर्जी करना चाहता हूँ आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ आपको इस वसादत सिस्टमा की वसादत से कहना चाहता हूँ यकीनन हमें एक बुराई नहीं आलम इकबाल ने कहा है कि भाई हया नहीं जमाने की आंख में बाकी खुदा करे तेरी रहे जवानी देगा। हमारा नौजवान सुबह घर से निकलता है तुम्हें पता होता है जैसे भेड़िया निकलता है ना अपने घर से वो किसके तलाश में होता है वो किसके तलाश में होता है वो शिकार के तलाश में होता है काश मैं कुछ खाऊं काश मैं कुछ खाऊं काश मैं कुछ खाऊं। ये दरिंदा सिपाही नौजवान भी घर से निकलता था इरादा उसका ये होता है कि आज मुझे किसी की इस्मत को दागदार करना है आज मुझे उम्मत की बेटी का पर्दा चाक करना है। आलमा इकबाल इसी को एक शायराना अंदाज में पेश करते हैं कह रहे हैं कि तेरी तेरी दुआ हो कि तेरी आरज़ू हो कबूल तेरी आरज़ू है कि तेरी दुआ हो कबूल। आप घर से निकलते हो ये करते करते काश ये बच्ची मुझे मिल जाती काश
दी, काश कोई बाप मुझे खुल के मिल जाता, काश कोई होटल मुझे मुझे खोल के मिल जाता, मुझे कोई तनहाई मिल जाती। बस ये तेरी दुआ होती है, तेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू हो कबूल, तेरी आरज़ू है कि तेरी दुआ हो कबूल। मगर मेरी आरज़ू है कि फरमाते हैं कि मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। अरे बार कहते हैं कि मैं तुझे दुआ करता हूं, काश तेरे दिल के अंदर से आरज़ू बदल जाए, तुम ये कहने वाले बन जाए। अल्लाह के फरमाए सात आदमी वो होंगे जिनको मैं कयामत के अंदर अपने साए के अंदर रखूंगा। मालूम है फरमाया कि शाबन नशा, उसके अंदर एक नौजवान भी है जो रात की तन्हाई के अंदर खड़ा होकर अल्लाह के सामने सरवर सजूद होकर अल्लाह ताला से अपने जवानी की पाक दामने की दुआएं मांगता है, अपने ईमान की सलामती की दुआएं करता है। अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई साया आखिर के अंदर नहीं होगा, इस नौजवान को मैं कयामत के अंदर अपने साए के अंदर रख लूंगा, कोई जरूरत नहीं। बस एक काम करना है, यह है कि जैसे सहाबा कुरान के साथ जुड़े, हमें कुरान के साथ जुड़ना है। जैसे सहाबा सुन्नत रसूल के साथ जुड़े, वैसे एक मरतबा हज़रत उमर हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से घर तशरीफ ले आए, समझना जब बाहर से घर तशरीफ ले आए तो इसलिए कि हम हर जगह दीन के बारे में सरेंडर करते हैं, बाप हो माँ हो बेटी हो बेटा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत थी, आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने पर्दा लगा रखे थे, किस पे? दरवाजे पे, दरवाजे पर्दा रखे थे, उसके अंदर जानवरों की शक्लें थी। अल्लाह के रसूल उधर से आए, देखा कि उस पर तो शक्लें लगी है, किनकी? जानवरों की शक्लें लगी है। पैगंबर अंदर नहीं गए, उन्होंने फाड़ दिया उस पर, देखो जब फाड़ दिया तो क्योंकि मोहब्बत थी ना अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत थी ना कुरान पाक की, अंदर चले गए। आयशा ने फरमाया आपने ये फाड़े क्यों या रसूलल्लाह? मैंने तुम्हारे दिल रजा के लिए तो मैंने चाह कि तेरे आपके दिल को इससे तो मिल जाएगा सुकून, मैंने इस वजह से तो ये कर दिया था ताकि आयशा आपको पता नहीं जिस घर के अंदर ये जिंदा जानवरों की शक्लें हो उसमें तो फरिश्ते रहमत के दाखिल नहीं होते। तोड़ दिया और फाड़ दिया हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन पर्दों को। आप क्या करते हो जब किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ? ओहो ये तो फिरौन लग रहा है, वो बेटा पैदा हो गया बेटा, फिर क्या करता है? फिर जाते बाजार में लाता है वो गधे, वो जो तमाशे होते हैं ना, गधा सोर खंजीर है, और यही 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 जानवर ले आते हैं, मैं बंदर बंदर वगैरह ले आते हैं और बच्चे को खिलौने देते हैं, किसके लिए? बहलाने के लिए। होता मौलवी साहब, होता है मुक्तदी साहब, ये क्या करेंगे इसको? ये तो बच्चा ही है, खेलेगा। यकीनन आपने इसको बंदर बनाते हो, शक्ल देखकर तुमने बंदर बना दिया, तुमने तो इसके सामने सुअर देखकर तुमने सुअर बना दिया, तुमने कुत्ते की शक्ल देखकर इसको कुत्ते की शक्ल और कुत्ते की इसके अंदर आवाज और खासियतें इसके अंदर आ जाती है। आपको पता है हसन हसन हुसैन जब अपने माँ के सामने खड़े थे वो इनको क्या बता देती थी? जन्नत बता देती थी, जहन्नम बता देती थी। एक मतलब फातिमा ने इनको जहन्नम का तज़किरा किया, देखो जहन्नम ऐसा होगा, जहन्नम इस तरीके पर होगा। माँ चूल्हे को जलाती है, जलाते जलाते हजरत हसनैन को इस पर नजर पड़ गई, माँ ने छोटे छोटे तिनके लाए इसको ये चूल्हे को जलाने के लिए ताकि चूल्हा जल जाए। जिस वक्त हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने ये देखा और चीख चीख होकर वो तो मगर क्या कहते गिर पड़ा बेहोशी के बाद। और जब आया पूछने लगा अम्मी, अम्मी ने पूछा तुम बेहोश क्यों हो? कहा कि अम्मी मुझे जहन्नम का ख्याल आया, जैसे आपने छोटे छोटे तिनके लगाकर इस चूल्हे को जलाया मैंने यूं समझा शायद जब अल्लाह ताला को जहन्नम क्या कहते तपानी होगी जलानी होगी शायद हमसे शुरू करेगा, मुझे बहुत डर हुआ जिस डर की वजह से जमीन के ऊपर बेहोश हो गया। तरबियत बच्चों की क्या होनी चाहिए? मगर सिदम जरी थी तो ये है एक बच्चा मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के पास है और उसके पास उसके माँ भी है और माँ ने कहा जाओ बच्चे तुम्हें मैं कुछ दे देती हूँ, दिल लहलाने के लिए तो कह दिया। अल्लाह के नबी फरमाए तेरे हाथ में कुछ है? कहा कि मेरे हाथ में खजूर है। कहा अगर अगर आपके हाथ में कुछ ना होता तो आप इसकी तरबियत झूठ पर कर देते, ये झूठ होता। हम कितने अपने बच्चों को झूठ बोलते हैं, चुप करो कुत्ता आ गया, खुद खटखटाते हैं खिड़की और खुद कहते हैं कि कुत्ता आ गया, फिर बच्चा खुद खटखटाने की और फिर आपको सुनाता है सो जाओ उधर से कुत्ता बोल रहा है। यही तरबियत है हमारी,
आप समझ लो कि शेख जुनैद बगदादी पैदा होंगे, ऐसे थोड़ी होंगे। इस वजह से मैंने ये बता दिया था, कुरान ने इस बात को वाज़ह तौर पर बता दिया, जब हम इन चीजों को जोर फसाद फिर बार दिमाग का सबक आई नहीं ना, ये दुनिया के अंदर जो फसाद है, ये जो बिगाड़ है, इस तरीके पे आ जाए, इसका हाल जो होगा, इसकी जिम्मेदारी जो होगी वो आपकी होगी, वो मेरी होगी, वो उम्मत मुस्लिमों की होगी। से मुझे इस बड़े मजबूर में आपसे इस बात को करना है, ये तमाम चीजें छट जाएंगी, बस एक काम करो, अगर तुम्हें शराबी को तौबा कराना है उसको कुरान पढ़ा दो, अगर तुम्हें इसको क्या करना है उसको बेहयाई से रोक रहे उसको निमाजी बना दो। जब आप निमाजी बनाओगे तो निमाजी बनाकर ये इन तमाम चीजों को तोड़ फोड़ देगा। मैं एक आगे कर गुजारे आपको बता के खत्म करता हूँ। एक आदमी को था, बहुत बड़ा नौजवान शराबी था, हमने थोड़ा सा उसको नमाज के साथ लगा दिया, थोड़ा सा हमने कुरान की कुछ आयतें हमने उसको पढ़ा दी, एक मर्तबा वो खुद आ गया, अपने जेब के अंदर शराब की बोतल लेकर आ गया, कहा कि मुफ्ती साहब आज मैं आपके सामने ये तोड़ देता हूँ, वादा करता हूँ अपने अल्लाह से आज तक की दोस्ती मेरी और मेरी अल्लाह के साथ। तकबीर तो भी होती है मस्जिद की फजा में, जब जर्ब से दिल जाते हो जर्ब लगाना बोलोगे। हमने कुरान का तस्करा करना अपने घरों में छोड़ दिया, लिहाजा अरदास यही है, कुरान की तारीख को जिंदा करो, कुरान पाक को जिंदा करो, पढ़ो कुरान, इस कुरान को ऐसी तासीर है, ये अंदर भी बातिनी भी सफाई करता है, युजम की हिंद ये अंदर भी ये सफाई करता है, बाहर भी सफाई कर देता है, फिर इस सफाई की वजह से इतनी पक्की सफाई होती है आगे जाकर कोई इसके सामने टिक नहीं सकता। मगर बात सिर्फ एक है, अगर हमने कुरान के साथ अपने आप को जोड़ दिया, अगर हमने कुरान के साथ अपने आप को वाबस्ता कर दिया, और अगर नहीं कर दिया तो कुरान ने बता दिया वत्तको फितनतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीन ज़लमू मिनकुम ख़ासा, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इस बिगाड़ के खिलाफ तुमने काम नहीं किया, अगर इस बिगाड़ पर तुम बोल नहीं पाए, अगर इस बिगाड़ को तुमने खत्म नहीं किया, यकीनन ये बिगाड़ आगे जाकर तुम्हारे घरों के अंदर भी आएगा। तिर्मिज़ी की रिवायत है जो मैंने खुतबे में पढ़ी, अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील को फरमाया जाओ फलां बस्ती को उलट दो, उसको क्या कहते हैं काया पलट कर दो, इस बस्ती की उलट दो इस बस्ती को, और जब इस बस्ती को उलटने गए वो वापस आ गए और अर्ज किया समझना इस बात को, मैं बात अपने को खत्म करता हूँ। तो फरमाते हैं कि इस वक्त ये वापस चले गए, कहा कि जबरील क्या हुआ, कहा कि मैं तो गया अल्लाह ताला वहां, मैंने देखा आपका नेक बंदा बड़ा पारसा बंदा अब जब काफी ही फुलान, वहां एक बंदा ऐसा था लमयासी का तरफा था आई, जिसने पल भर के भी तुम्हारी नाफरमानी नहीं की, इतना नेक आदमी। अल्लाह ताला फरमाया कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दे दिया, अपने तहज्जुदों पर खुश मत हो जाओ, जो अपने लिए रो तो अपनी उम्मत के लिए भी रो, ये कौम बड़ी जालिम है, एक से एक बढ़कर एक से एक बढ़कर एक से। तो उस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया एक रिब अलैहि व अलैहि, कहा कि जबरील पहले से नेक आदमी को उलट दो, ये पूरी बस्ती ले आओ फिर उसको इस पर उलट दो, वजह ताकि इस वजह से है कभी भी इसने इस बुराई के खिलाफ कभी सोचा तक नहीं है, कभी इसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई है, इस बुराई को देखकर ये समझता था कि शायद इसी में को क्या कहते हैं मेरा बचाव है, नहीं नहीं पहले इसको उलट दो फिर बस्ती को उलट दो। लिहाजा इन बातों को हमें इंतजार करना है, हमें इन बातों को इस्लाह करना है, इस्लाह तब होगी जब हम कुरान के साथ जुड़ेंगे। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा हम इंशाल्लाह अपने घरों के अंदर इस कुरानी तालीम को आम करेंगे, और कोई घर नहीं होगा जिसके अंदर हम तिलावत कलामुल्लाह करके इंशाल्लाह नहीं निकलेंगे, ये तय है इंशाल्लाह। कौन कौन अपना हाथ बुलंद करता है कि हम घरों में तिलावत करके रोज घरों में तिलावत करेंगे, अरे इंशाल्लाह भी कह दो जोर से करो ना इंशाल्लाह, हम पैसे नहीं लेंगे इंशाल्लाह करो, अल्लाह कबूल फरमाए। बाखुर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।